नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 35वां मुकाबला खेला गया आईपीएल 2022 का, जो था डीवाई पाटिल स्टेडियम में। इस मैच में ना कई सारे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हुए, तो चलिए आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट क्या था और उस पर उस बड़े खिलाड़ी ने क्या कहा। दरअसल गुजरात टाइटंस ने इस बार टॉस जीतकर सबसे पहले तो बैटिंग करके चौंका दिया, क्योंकि अब तक आईपीएल 2022 का जो ट्रेंड था वो ये था कि सारी टीमें, जो भी कप्तान टॉस जीतता था वो हमेशा गेंदबाजी करता था, क्योंकि ये ट्रेंड चला आ रहा था। बट इस मैच में हार्दिक पांड्या जो कप्तान थे गुजरात टाइटंस के, उन्होंने इस मैच का जो ट्रेंड है वो तोड़ दिया और पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। अब पहले बैटिंग करने के बाद जब गुजरात टाइटंस आखिर में जाते जाते लड़खड़ा गई और स्कोर बनाया सिर्फ और सिर्फ 156 रन, वो भी 9 विकेट पर। इस पारी का आखिरी ओवर करने आए कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑलराउंडर, बेहतरीन ऑलराउंडर आंद्रे रसल, जो अब तक इस पूरे पारी में एक भी ओवर जिन्होंने नहीं किया था, उन्हें श्रेयस अय्यर ने आखिरी ओवर के लिए गेंद थमाई। अब जब गेंद थमाई तो उन्होंने वो प्रदर्शन कर दिखाया जो एक रिकॉर्ड बन गया। जी हां, आंद्रे रसल ने आखिरी ओवर में मात्र 5 रन दिए, यानी कि इनिंग के, गुजरात टाइटंस की इनिंग के आखिरी ओवर 20वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ 5 रन दिए और 4 विकेट हासिल किए। अब इन 4 विकेट की जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन 4 विकेट में चारों पहले तो कैच आउट हुए, और उसके बाद अगर बात करें कि किस किस ने कैच किया, तो 3 कैच पकड़े रिंकू सिंह ने। जी हाँ, रिंकू सिंह इस मैच में खेल रहे हैं और बहुत ही शानदार लाजवाब फील्डर हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के, और वन ऑफ द बेस्ट फील्डर माने जाते हैं पूरे आईपीएल में। उन्होंने 3 कैच पकड़े, राहुल तेवतिया का, अभिनव मनोहर का, और आखिरी पकड़ा लॉकी फर्ग्यूसन का, और एक कैच पकड़ा आंद्रे रसल ने, जो उनका आखिरी विकेट था, 4th विकेट था। तो इस तरह से आंद्रे रसल ने 4 विकेट अपने नाम किए और सिर्फ 5 रन दिए, और इसमें कैच थे 3 रिंकू सिंह के। अब इसके बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुई तो आंद्रे रसल ने यह कहा कि रिंकू सिंह का जो डिनर है वो मुझ पे उधार है, क्योंकि रिंकू सिंह जो है ना ड्रिंक नहीं करते हैं, तो अब मैं उन्हें डिनर यानी कि अपनी तरफ से ट्रीट दूंगा। और ये ट्रीट इसलिए थी क्योंकि आंद्रे रसल की गेंदों पर 3 कैच रिंकू सिंह ने पकड़े, और वो भी शानदार कैच थे और टफ कैच भी थे। इसी बात पर आंद्रे रसल ने कहा कि रिंकू सिंह का जो डिनर है वो मुझ पर उधार रहा। देखिए, इस मैच में रिंकू सिंह और आंद्रे रसल दोनों का ये जो मैच है बहुत ही शानदार गुजरा। पहले बोलिंग करते हुए जब आंद्रे रसल ने 1 ओवर में 5 रन देकर 4 विकेट निकाले, और इसी के साथ साथ वो एक रिकॉर्ड भी उन्होंने कायम किया कि आखिरी ओवर में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो लक्ष्मी रतन शुक्ला के नाम था, जिन्होंने केकेआर की तरफ से ही ओवर फेंका था आखिरी, और उसमें 3 विकेट लिए थे। बट अब आंद्रे रसल ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो आखिरी ओवर में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला रिकॉर्ड अब आंद्रे रसल के नाम हो गया है। वहीं अगर बात करें रिंकू सिंह की, तो उनका भी ये मैच अच्छा गया, 3 कैच भी पकड़े, साथ ही साथ रन भी बनाए, टीम को कंट्रीब्यूशन दिया। और अगर आंद्रे रसल की बात करें तो वो भी 48 रन पर आउट हुए 25 गेंदों पर। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो मैच है वो कोलकाता नाइट राइडर्स 8 रनों से हार गई। तो इस मैच में रिंकू सिंह और आंद्रे रसल का प्रदर्शन तो शानदार रहा, काबिले तारीफ रहा, बट अनफॉर्चुनेटली एट दी एंड कोलकाता नाइट राइडर्स ये मैच 8 रनों से हार गई, और लगातार 4th हार इस आईपीएल 2022 में उन्होंने दर्ज की, और इसके साथ इनका जो दिक्कतें हैं प्लेऑफ्स में जाने की संभावना है वो लगातार थोड़ा सा ना कम होती जा रही है। तो इसी बात पर आंद्रे रसल ने जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुई यानी कि पोस्ट इनिंग हुई, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि रिंकू सिंह के लिए, जो रिंकू सिंह पर मेरा डिनर जो है उधार है, क्योंकि वो ड्रिंक नहीं करते हैं, इसीलिए मैं उन्हें ट्रीट दूंगा, क्योंकि उन्होंने उनके 3 कैच पकड़े थे। आपको क्या लगता है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कहाँ केकेआर की तरफ से गलती रह गई इस मैच को जीतने में, कहाँ चूक हो गई, या फिर आंद्रे रसल की आपकी जो पारी है वो कैसी लगी, उनके विकेट्स, उनका जो 4 विकेट हॉल था एक ही ओवर में वो कैसा लगा, या फिर रिंकू सिंह के कैचेस कैसे लगे, आप वीडियो के इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।